अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। जैसा कि लास्ट वीक हमने बताया था, आज का हमारा टॉपिक होगा टेबल सेटअप का, कि रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो टेबल पर सेटअप लगा हुआ होता है बड़े अच्छे तरीके से, क्रॉकरी कटलरी बड़े फैंसी स्टाइल में लगी हुई होती है, लेकिन घर पर कभी होता है हमें लगानी नहीं आती। तो घर पर हम कैसे वो सेटअप जो है लगा सकते हैं? सेटअप दो किस्म के होते हैं वैसे, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो कैजुअल डाइनिंग में होता है, फॉर्मल जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में होता है। तो आपको बताएं कि कैसे लगता है सेटअप। यहाँ पे कुछ हमारे पास सामान रखा हुआ है। ये एक बड़ी प्लेट है, ये कहलाती है चार्जर प्लेट। इसके अंदर फूड खाया नहीं जाता। जितनी भी क्रॉकरी हम सर्व करते हैं, डिनर प्लेट, सूप बॉल्स, वो सारी चीज़ें जो हैं हम चार्जर प्लेट के अंदर रखते हैं। जैसे कि हम एक बंदे के सेटअप की बात करें, सेटअप फॉर वन, सबसे पहले चार्जर प्लेट आती है। अब इसके ऊपर अगर आप सूप सर्व कर रहे हैं, इस तरीके से हम सूप सर्व करेंगे इसके ऊपर। अगर हम इसमें कोई मेन कोर्स सर्व करना है हमको, तो हम डिनर प्लेट इस तरह लगाएंगे। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ किस्म की सर्विस होती है। अब उसका सीक्वेंस क्या होता है कि पहले क्या सर्व करना है और उसके बाद क्या सर्व करना है। शुरू होता है स्टार्टर से, स्टार्टर एपिटाइज़र्स जो कि सबसे पहले सर्व किए जाते हैं, कुछ भी स्नैक्स हो सकते हैं लाइट से जो कि आपकी भूख को बढ़ाते हैं, पहले वो सर्व होंगे। फिर सूप, उसके बाद सैलेड, फिर आंट्रे यानी कि मेन कोर्स जो भी आपने ऑर्डर किया है, और लास्ट में डिज़र्ट। तो कोर्स बाय कोर्स जो है इसका सेटअप लग रहा होता है। पहले सूप लगाया, उसके बाद आपने ये डिनर प्लेट लगा दी। इस तरीके से हम सारी चीज़ें लगा के बताते हैं, चार्जर प्लेट, डिनर प्लेट, और उसके बाद आ गया आपका सूप बॉल और प्लेट। अब कटलरी यूजुअली घरों में जो इस्तेमाल होती है, फोक, टेबल स्पून, डिज़र्ट स्पून, टी स्पून और सूप स्पून। इसके अलावा रेस्टोरेंट में बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो है कटलरी इस्तेमाल हो रही होती है, जिसके अंदर फ़िश नाइफ़ अलग होता है, फ़िश फोक अलग होता है, डिज़र्ट फोक अलग होता है, और स्टेक नाइफ़ अलग होती है। लेकिन यूजुअली घरों में जो बेसिक कटलरी होती है, हम उसके साथ सेटअप लगाना बताएंगे कि कैसे लगाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड पे लगेगा सबसे पहले यहाँ पे डिनर फोक। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें मिसिंग है मेरे पास, नाइफ, बटर नाइफ और डिनर नाइफ, वो दे दें मुझे, मैं लगाता हूँ ज़रा। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड पे टीस्पून, उसके बाद आएगा टेबल स्पून, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आपका सूप स्पून। अब अगर आपके पास सैलेड फोक या डिज़र्ट फोक है, सैलेड फोक यहाँ पे आ जाएगा, वो थोड़ा छोटे साइज़ का होता है। अभी हमारे पास ये बड़ा साइज़ में है तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये चार्जर प्लेट के बिल्कुल सेंटर में आएगा, ये जो इसका अपसाइड पीस है, ठीक है। ये तीन चीज़ हो गई हमारी, चार्जर प्लेट, डिनर प्लेट, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास सूप। अब ये नाइफ है, डिनर नाइफ, ये हमेशा राइट हैंड पे आती है, और उसका ये जो ब्लेड वाला साइड होता है ये प्लेट की तरफ आता है, ये प्लेट की तरफ होता है, ठीक है। पानी का गिलास हमेशा नाइफ के ऊपर आएगा, चार्जर प्लेट के राइट हैंड साइड पर। इसके बाद आ गया हमारा डिज़र्ट स्पून और डिज़र्ट फोक, वो बिल्कुल चार्जर प्लेट के ऊपर इस तरीके से। अगर आप टी सर्व कर रहे हैं तो आपका टी कप जो आएगा वो राइट हैंड साइड पे इस तरफ आएगा, ठीक है। नैपकिन,
लेफ्ट हैंड साइड पे इस जगह और एक प्लेट यहाँ पे, क्वार्टर प्लेट और बटर नाइफ आपकी इस तरफ आ जाएगी। ये एक परफेक्ट सेटअप हो गया हमारा फाइन डाइनिंग का, फॉर्मल डाइनिंग का। अच्छा, अब इसकी जो प्लेसमेंट है, इसकी प्लेसमेंट नैपकिन की आप ऐसे भी कर सकते हैं, कटलरी के नीचे। और ये दो चीज़ें जो हैं यहाँ पे, ये डिज़र्ट नाइफ और डिज़र्ट फोक, ये बिल्कुल इसी पोजीशन में लेफ्ट हैंड पे भी आ सकता है और ये राइट पे भी आ सकता है। फूड हम जब भी सर्व करते हैं, सबसे पहले हम लेडीज़ को सर्व करते हैं, फिर उसके बाद आपके जो गेस्ट होते हैं उनको सर्व करेंगे, होस्ट को सबसे लास्ट में हम फूड को सर्व करते हैं। तो ये जो सेटिंग है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और नैपकिन जो है आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया फॉर्मल प्लेटिंग फॉर वन पर्सन। ये सेटिंग आप देख लें, बिल्कुल इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये सेटिंग मिलेगी। और उसके बाद अगर कोई सेंटर पीस या वाज या फ्लावर्स हैं तो आप सेंटर में रख सकते हैं। ये फाइनली जो आपकी सेटिंग है फॉर्मल फॉर वन पर्सन बिल्कुल डन है। इसको हटा देते हैं ताकि प्रॉपर नज़र आए। कल इंशाल्लाह हम टू पर्सन में कैसे करते हैं, वो कैजुअल डाइनिंग में क्या सर्विंग होती है, किस तरह सेटिंग होती है वो रखेंगे। फिर सर्विंग एटिकेट्स के, किस तरीके से हमने सर्व करना है, ऑर्डर कहाँ से लेना है, फूड कहाँ से सर्व करना है, डर्टी कहाँ से रिमूव करनी है, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो ये सेटिंग आपने देखनी है और कल की जो है शो में हम इसको रिपीट करेंगे तो और अच्छा गो थ्रू हो जाएगा। तो आज की रेसिपीज़ आपको बताते हैं, आज बड़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। थोड़ा वेजिटेबल पर हम फोकस कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं छोले और लौकी, थोड़ा फ्राई स्टाइल में। आपने दाल फ्राई खाई होगी, आपने भुना फ्राई खाया होगा, लेकिन चने और लौकी फ्राई आप फर्स्ट टाइम खाएंगे। बड़ी अच्छी मज़े की रेसिपी है, इसको फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आज हम बना रहे हैं पालक और आलू के कबाब, ये भी बड़ी अच्छी रेसिपी है। और इसके साथ ही साथ एक अदद बन रहा है यहाँ पे पुलाव, जो कि है सेम का पुलाव, सेम की फली हमारे पास। इसमें डालेंगे मटर, बड़ा सॉफ्ट सा और बड़ा लाइट हल्के मसाले वाला, क्योंकि आपको पता है गर्मी कराची में ज़्यादा होती है और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी होती है। तो गर्मी में लंच आवर्स में और डिनर में जो है बड़ा हमको हल्का फूड लेना चाहिए जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो उसमें सबसे पहला काम आता है, नाम आता है सब्ज़ियों का और दालों का। तो सब्ज़ियों को और दालों को किस तरीके से कम मसाले के साथ अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं वो आपको बताएँगे। पहली रेसिपी हम शुरू करेंगे, यहाँ पर हमारे पास चने हैं और लौकी है और उसके साथ साथ कुछ मसाले हैं। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बट मज़े की। दही हमारे पास, इमली का पल्प है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्च है, ज़ीरा है, गरम मसाला पाउडर है, कड़ी पत्ता है, कुटी लाल मिर्च, नमक और साबुत मिर्च। कैसे बनाएंगे, क्या होगा, उससे पहले टाइम एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक पे आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए और हम यहाँ पे लगाया था सेटअप फॉर वन पर्सन फॉर्मल सर्विंग के, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के अंदर हम सेटअप कैसे लगाते हैं। अब मैंने इसका थोड़ा मूवी घुमा दिया, टेबल का साइड चेंज हो गया ताकि प्रॉपर आप लोगों को सेटअप नज़र आए। शुरू करते हैं अपनी पहली रेसिपी जो कि है लौकी चना फ्राई। लौकी हमारे पास, लौकी को थोड़ा सा छील लेंगे, जब तक लौकी छिल रही है प्याज काट लेते हैं। एक अदद चाहिए सॉस पैन, अमूमन घरों में हम लोग कोशिश करते हैं कि खाना अच्छा बनाएं, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो क्या ही बात है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर क्रॉकरी कटलरी लगा के, सेटअप लगा कर और उसी स्टाइल में सर्व करें तो खाने का मज़ा ही अलग है। प्याज को स्लाइस कर लेंगे,
पाकिस्तानी डिशेस बड़ी मिर्च मसाले वाली होती हैं और लेकिन वैरायटी बहुत है हमारे पास खाने के अंदर, सब्जियों की, दालों की, चिकन की डिशेस, बीफ की, मटन की, सी फूड थोड़ा कम खाते हैं लेकिन जो भी हमारी सिलेक्टेड थोड़ी बहुत डिशेस हैं बहुत अच्छी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मीट की डिशेस, जो मीट के मसाले होते हैं जैसे कि कोरमा है, कढ़ाई है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की कढ़ाइयाँ हैं मुख्तलिफ फ्लेवर के अंदर, वो सारी चीज़ें हम जो है दालों सब्जियों के साथ बनाएं तो यकीन करें कि मज़ा आपको वही आएगा जो कि मीट के साथ आता है, लेकिन गज़ायत आपको सारी सब्जियों की मिलेगी। तो हम भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, सब्जियों को और दालों को फ्यूजन कर रहे हैं मीट की रेसिपीज़ के साथ। फाइनली स्लाइस करेंगे, और रेस्टोरेंट में कोर्स बाय कोर्स जो है फूड सर्व हो रहा होता है। सबसे पहले हम स्टार्टर एपिटाइज़र सर्व करते हैं जो कि कुछ भी हो सकते हैं, स्नैक्स हो सकते हैं हल्के जो कि आपकी भूख बढ़ाएं। जब तक आप खाने का ऑर्डर करते हैं मेन कोर्स आपका रेडी हो रहा होता है, तो आपको सर्व हो जाता है स्टार्टर्स, फिर उसके बाद सूप सर्व होता है, सूप के बाद जो है सैलड्स, और फिर मेन कोर्स वो कुछ भी हो सकता है जो आपने ऑर्डर किया है, और लास्ट में सब होता है डिज़र्ट। तो घर में भी कोशिश करें इसी सीक्वेंस के साथ आप फूड को सर्व करें। यहाँ पे बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल, इसमें शामिल करेंगे प्याज, प्याज को अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है लाइट ब्राउन, दाल फ्राई के अंदर अमूमन यही मसाले होते हैं लेकिन दो चीज़ों का हमने इसमें इजाफा किया है, एक तो इमली का पल्प और एक दही जो कि बड़ी अच्छी सी ग्रेवी भी बनाएगा और फ्लेवर जो है अच्छा सा खटास वाला फ्लेवर भी देगा, स्पाइस के साथ खट्टा फ्लेवर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, आज का सवाल भी हम पूछ लेते हैं। आज का सवाल है, अभी जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि खाने को हम किस तरह कोर्स बाय कोर्स सर्व करते हैं, शुरू के तीन स्टेप बता दें, पांच होते हैं, कोई तीन स्टेप बता दें हम खाना कैसे सर्व करेंगे, पहले क्या सर्व करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, थर्ड क्या करेंगे। सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैंने सीक्वेंस बताया कि हम फूड को पांच स्टेप में सर्व करते हैं, तो शुरू के तीन क्या स्टेप्स हैं वो आपने बताना है। चने यहाँ पे हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, चनों को आपने अच्छे रिजल्ट के लिए जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतना ज़्यादा अच्छा चना जो आपका गलेगा। चने को जब भी भिगोएं ओवरनाइट रखें, और बहुत से लोग हैं जो ना सोडा डाल देते हैं चने के अंदर, चना जब भिगोते हैं ना उसके अंदर सोडा डाल देते हैं। अब सोडा आपने डाल के रखा पूरी रात तो सोडे की एक अपनी जो है ना स्मेल होती है, थोड़ी नागवार सी स्मेल होती है, तो कोशिश करें अगर सोडा आप डाल भी रहे हैं भिगोने में तो बहुत ज़्यादा सोडे का इस्तेमाल ना करें क्योंकि जब पकने के बाद वो बड़ी अजीब सी स्मेल दे रहा होता है। सोडे का कम इस्तेमाल करें या तो ना करें क्योंकि ओवरनाइट आप भिगो देते हैं काफ़ी होता है। हमारे साथ कॉलर हैं उमरा कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम, ठीक ठाक आप बताएं खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से हूँ, और आज मेरी आपके प्रोग्राम फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चलें बहुत शुक्रिया आपकी कॉल भी लगी।
क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हैं आप, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा ये आज जो आप बना रहे हैं ना लौकी जी फ्राई चना के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अलग सा कुछ हुआ है स्टाइल आपका। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी मैं। इंशाल्लाह जरूर कीजिएगा। और सवाल का जवाब देना चाहेंगी आज का? सवाल क्या है? आपने शो देखा है शुरू से? जी बस थोड़ा सा निकला है आगे। थोड़ा सा निकला है। मैंने बताया था कि फूड जो है 5 स्टेप में सर्व करते हैं, पहले क्या सर्व करते हैं, दोबारा सेकंड में क्या करते हैं, थर्ड में क्या करते हैं। अच्छा, इस तरह 5 चीजें तो शुरू की तीन चीजें आपने बतानी है। फिर उसके बाद जो है ना आप कोई भी सैलेड वगैरह कर दें, और उसके अलावा जो है फिर जूस वगैरह दे देते हैं, और ठीक है जी, आपका जवाब आ गया है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी कुछ? नहीं बस कोई फरमाइश नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करते हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह आपकी काफी चीजें मैं ट्राई कर चुकी हूँ और करती रहूँगी। चलें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे लाजमी शामिल कीजिएगा इसमें। इंशाल्लाह जरूर। चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ पे हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है, टमाटर भी कट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हुआ है। मैं जब तक ये काटता हूँ आप ब्रेक पे जाएं, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। प्याज हमारे यहाँ पे जो है ब्राउन भी हो चुकी है, ब्रेक में बंद कर दिया था ऐसा ना हो कि जल जाए, हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, लौकी चना फ्राई। थोड़ा सा लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, टमाटर भी हमने फाइन चॉप कर लिए, सब्जी मसाले जितने अच्छे तरीके से भुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा खाने के अंदर। और पाकिस्तानी खानों की ख़ास बात यह है कि हम पकाते बहुत हैं, मसालों को भूनते बहुत हैं, तो लिहाजा बाद में जो सब्जियां वब्जियाँ डाली जाती हैं, मेरी अपनी जो लॉजिक वो ये है कि सब्जियां एंड में डालें, मसाले को जितना भुनना है भून लें, लेकिन सब्जियों को खुदा रहा ज़्यादा ना भुनें, क्योंकि जितना भुनेंगे उतना एक तो कलर ख़राब होगा सब्जियों का और गिजाइत ख़त्म हो जाएगी। तो मसाला अच्छे से भुनें फिर सब्जियाँ बाद में डालें, दम पे छोड़ दें और कच्ची पक्की सब्जियाँ खाएँ, सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये टमाटर हमने शामिल किए, अब इसके साथ ही साथ इसमें डाल देंगे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि दाल फ्राई है थोड़ी चटपटी होनी चाहिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, मिर्चें कम करनी है कम कर लें, बढ़ानी है बढ़ा दें, ज़ीरा और नमक ये शामिल किया। अब मसाले को ज़रा अच्छे से भूनना है, अभी इसमें हमने कोई पानी शामिल नहीं किया है, जो टमाटर का अपना पानी है वो निकल रहा है, थोड़ी सी फ्लेम को लो करके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इस मसाले को पकने देंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। पानी डालने का मकसद ये है कि मसाला जले ना, अगर बाद में बिल्कुल नहीं होगा तो मसाला हल्का सा लग जाएगा। जब तक मसाला भुन रहा है लौकी को छील लेते हैं, लौकी गोल या लंबी जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। ये इसका छिलका उतर रहा है। अच्छा ये छिलका भी बड़ा मुफीद होता है और बड़े अच्छे कबाब बनते हैं लौकी के छिलके के, किसी दिन बना के बताऊंगा मैं आपको, लौकी के छिलके के कबाब दाल के साथ ज़ाया नहीं होंगे ये।
ये आप रख लें और बड़े अच्छे कबाब बनाएं इसके। अच्छे तरीके से इसको छील के लौकी भी बड़ी वर्सटाइल सब्जी है, आप इसे मीठा भी बना सकते हैं, इसे नमकीन भी बना सकते हैं। और आपने अब कटिंग करनी है इसकी क्यूब, क्यूब कट सेंटर से काटा है ऐसे, फिर काटा ऐसे और आपने यहाँ से इसको इधर से भी। कोशिश करें कि डिश में जो भी कटिंग डालें, जो भी सब्जी डालें, कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए मसाला जो है अच्छे से भुन गया है, जितना अच्छा भुनेगा सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा। देखें लौकी को आपने बिल्कुल एक सेम साइज काटना है, मसाला भुन गया। अब इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे दही, दही को अच्छे से फेंट कर दही को या तो अच्छे से आप फेंट लें या जब आप इसको शामिल करें तो चमचा प्रॉपर चलाएं। अगर दही हम बगैर फेंटे डाल देते हैं सालन में तो होता क्या है, दही का दाना बन जाता है। हर खाने में हमें दाना नहीं चाहिए होता, दही का जो है स्मूथ टेक्सचर चाहिए होता है, कोरमे के अंदर हमको दाना चाहिए होता है। तो कोरमे में क्या करते हैं, हम दही को डाल के छोड़ देते हैं और ज़्यादा फेंटते भी नहीं हैं, दो मिनट बाद तीन मिनट बाद जो है उसका दाना बन जाता है जो कि कोरमे का टेक्सचर होना चाहिए। अब यहाँ पे डालेंगे इमली का पल्प अपने टेस्ट के हिसाब से, आज का सवाल भी रिपीट करता हूँ। आज हमने डिस्कस किया था कि वन पर्सन जो टेबल सेटअप होता है फॉर्मल स्टाइल का कैसे लगाते हैं, और फूड जो हम सर्व करते हैं वन बाय वन किस सीक्वेंस से सर्व करते हैं। शुरू के तीन सीक्वेंस आपने बताने हैं, पहले क्या सर्व करते हैं, सेकंड क्या करते हैं, थर्ड क्या कर, बड़ा आसान सवाल है। ये देखें मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इस स्टेज पर शामिल कर देंगे लौकी, लौकी बस एक भाप आती है और लौकी गल जाती है। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, मसाले को इतना भूनना है कि मसाले का कलर आउट ना हो। अगर हम शुरू में थोड़ा सा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे तो मसाला जो डार्क कलर का हो जाएगा। आपने सारे मसाले डाल के हल्का सा भुनना है, उसका थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाले का कलर ख़राब ना हो। चलें जी थोड़ा पानी डाल के इसको दम पे छोड़ते हैं। ताकि लौकी जो थोड़ी सी गल जाए बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ पे हरी मिर्च है हमारे पास, हरी मिर्चों को स्लाइस कर लेंगे। इस तरीके से हरा धनिया थोड़ा सा लेके चॉप करेंगे। हरी मिर्चें थोड़ी बचा लें गार्निश के लिए, बाकी हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे। अच्छे से मिक्स करना है
चने हमारे पास बिल्कुल रेडी हैं, बॉइल्ड हैं। बस यहाँ पे मैंने इसमें चने डालने हैं, चने डाल के मिक्स करेंगे, थोड़ा सा दम पे छोड़ेंगे, फिर फाइनली इस पे लगेगा तड़का। लेकिन इससे पहले टाइम है एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक से जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे लौकी चना फ्राई बन रहा है, तकरीबन तैयार है, फाइनली तड़का लगाना है इसको। एंड में शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर तड़के से पहले शामिल करें और इसको मिक्स ना करें। जब तड़का लगेगा तो उसके बाद इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे तड़के के लिए लहसुन, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। इसके बाद शामिल करेंगे कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्चें। सेम की फली हमारे पास है, वो मटर हमने यहाँ पे बॉईल होने रख दिए हैं, थोड़े से बॉईल हो जाएं, फिर पुलाव के में शामिल करेंगे इनको। लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कड़कड़ाए तो और आपने इसको शामिल कर देना है। वो ख्याल रहे बहुत ओवर नहीं करना आपने, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगा, जब जल जाएगा तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। हल्का सा ब्राउन हो जाए लहसुन, हमने इसको शामिल करना है। दैट्स इट। कॉलर है कैकशा कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक, आप बताएं, खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, और बहुत दिल चाह रहा था आपसे बात करने का लेकिन कॉल ही नहीं लगती आपकी। चले आज कॉल लग गई आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी जी। आप वैसे स्टार्टर में एपेटाइजर, स्टार्टर में सूप वगैरह या जूस वगैरह दे देते हैं, या फिर उसके अलावा वोंग टोंग और जो मिर्च वगैरह जैसे इस तरह की चीजें होती हैं, फिर उसके बाद खाना सर्व किया जाता है, फिर मीठा होता है और सब कोल्ड ड्रिंक साथ साथ की सारी चीजें होती है। और उसके अलावा आपने टेबल मैनर्स का पूछा है, तो सबसे पहले तो जो हमें बर्तन यूज करने होते हैं ना उसमें प्लेट होती है, फिर एक सालन की प्लेट होती है, फिर एक सूप की होती है। उसके अलावा अगर है तो फिर उसमें नाइफ मतलब स्पून वगैरह होते हैं जिसमें सूप का स्पून रखते हैं, फिर उसके अलावा जो है क्या कहते हैं खाने का होता है। ठीक है ठीक है, बस जो हमारा सवाल था उसका आपने पहले जवाब दे दिया कि वन बाय वन हम क्या सर्व करते हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी जी? कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो मेरी कोई नहीं है फिलहाल, क्योंकि मेरी कॉल अचानक लग गई, मुझे खुशी हो रही थी। अच्छा, 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 प्रोग्राम में मेरी कॉल लग गई है। चले जबरदस्त हो गया जी, आपका जवाब भी आ गया, बस दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आमीन आमीन, अल्लाह हाफिज। चले जी, यहाँ पे हमारा तड़का भी लग गया है, अब तैयारी करते हैं सेम भी पुलाव की। प्याज को हमने स्लाइस करना है, बड़ी क्विक रेसिपी है, हार्डली आधे घंटे में आपका जो है पुलाव ये तैयार हो जाना है। ऑयल हमने डाल दिया है पैन के अंदर, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है दालचीनी, पहले हमने ये डालनी है, इसका थोड़ा सा फ्लेवर लेना है, क्योंकि गरम मसाला जो है ना, हर मसाले का अपना फ्लेवर है, तो अगर आपने दालचीनी का बेहतरीन फ्लेवर लेना है ना, तो सबसे पहले आपने इसको फ्राई करना है, उसके बाद आपने प्याज डालनी है।
अब पूरे डिश के अंदर जो प्रोमिनेंट फ्लेवर होगा आपका वो होगा दालचीनी का। चलिए अब टमाटर को स्लाइस करके डाल देते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, स्लाइस भी कर सकते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन। जैसे लाइट ब्राउन होगी इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। इसके अंदर कोई जो है अदर स्पाइस नहीं है, इसमें सिर्फ हमने हरी मिर्चें डालनी है। बिल्कुल लाइट सा इसका फ्लेवर है, खाने के बाद भी आपको जो है नहीं फील होगा कि आपने बहुत कुछ हैवी चीज़ खाई है। हरी मिर्चें और काली मिर्चें बस। अच्छा जी, आज का सवाल मैं रिपीट करता हूँ। हमने शुरू में बात की थी कि खाने को कितने स्टेप में हम सर्व करते हैं। शुरू के कोई तीन स्टेप आपने बताने, सीक्वेंस बताने कि सीक्वेंस हमने खाने को सर्व करते हैं। जीतने वाले को मिलेगा एनएक्स का हैंडी मीट मिंसर। बस प्याज ब्राउन हो गई है, अभी हम शामिल कर देते हैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छे तरीके से भूनना है। ये भुन जाता है तो इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। आज का हमारा टॉपिक था टेबल मैनर्स, टेबल सेटअप, कि टेबल हम कैसे लगाते हैं। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, आज हमने फॉर्मल पे बात की थी, कल हम इसको भी रिवाइज करेंगे और कैजुअल डाइनिंग में कैसे सेटअप लगता है उसको डिस्कस करेंगे। फूड सर्विंग कैसे होती है, क्या एथिक्स है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं शामिल कर देता हूँ नमक, साबुत काली मिर्चें, जीरा और चिकन पाउडर। अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद दोबारा भुनेंगे ताकि मसाला अलग हो जाए और तेल अलग हो जाए। यहाँ पे हमारी फलियाँ और मटर भी बॉयल हो गए, इसको निकाल लेते हैं छन्ने में। बस जैसे ही मसाला हमारा भुन जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे मटर और फलियां और फिर चावल डाल के दम पे छोड़ेंगे। फाइनली हमने इसको सर्व करना है हरे धनिया के साथ, हरे धनिया की भी अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें जाएगी। ये देखिए मसाला भुन गया, अब यहाँ पे शामिल कर देंगे सेम की फलियाँ और मटर। मज़ीद भुनेंगे 2 से 3 मिनट। जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता मसाले से इसको भूनते रहेंगे।
अगर हम मसाले को अच्छे तरीके से नहीं भुनेंगे, ऑयल अलग नहीं होगा, मसाला अलग नहीं होगा, तो पुलाव में कच्चापन आएगा, कच्चे मसाले की और टमाटर की जो स्मेल है वो फील होगी। तो लिहाजा इसको आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। जब आप समझें कि हाँ कि अब जो है मसाला भुन गया है, तो इस स्टेज पे शामिल कर देंगे पानी। पानी का तनासुब हमेशा की तरह, जितने आपके चावल हैं पानी चावलों से 1 इंच जो है वो ऊपर होना चाहिए। पुलाव में हमेशा पानी डालें और पानी जो है जब बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो जब तक ये पानी हमारा बॉयल हो रहा है, इसको लगाते हैं ढकना, और साथ ही साथ टाइम है एक छोटे ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ये ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा एक डिश जो है तैयार हो गई थी, इसको थोड़ा सा गार्निश कर दें और डिश आउट कर दें। लौकी चना फ्राई, ये लें जी, डन है। इसको रख देते हैं इधर। सेकंड डिश सेम का पुलाव, सारा प्रोसेस हो गया है, पानी हमने डाल दिया था इसको उबाल आने के लिए, पानी में उबाल भी आ गया। अब शामिल करेंगे चावल, लेकिन उससे पहले ये ज़रा लेमन और लगा दें इधर, दैट्स इट। ये देखें जी, बॉइलिंग पॉइंट पे है सारा स्टॉक हमारा, एक्सेस पानी चावलों का। चावल शामिल कर देंगे, जब चावल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर, तो हमें अंदाजे भी हो जाएगा कि पानी हमारा और कितना रिक्वायर्ड है या नहीं। पानी जो है 1 इंच ऊपर होना चाहिए। देखें पानी हमारा बिल्कुल सही है, बस अब हमने एक दफ़ा और उबाल देना है। नमक चेक कर लें, नमक थोड़ा सा आपका कड़वाहट की तरफ होना चाहिए, यानी एक्सेस सॉल्ट होना चाहिए। अगर पानी के अंदर आपको नमक कम लगेगा, तो जब आपका पुलाव तैयार हो जाएगा तो डेफिनेटली वो फीका होगा। अगर इस स्टेज पे आपका स्टॉक जो है वो नमकीन होगा, तो आपका पुलाव का जो पानी है वो बिल्कुल नमक बिल्कुल बैलेंस आएगा, तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। आज का सवाल भी मैं रिपीट करता हूँ, हमने डिस्कस किया था कि कोर्स जो है, जो हमारा फूड है, कितने स्टेप में सर्व होता है। कोई 5 स्टेप्स थे जिसमें फूड सर्व होता है, पहले क्या सर्व होता है, देन उसके बाद क्या सर्व होता है, थर्ड क्या होता है। तो शुरू के कोई 3 स्टेप आपने बताने सीक्वेंस है कि पहले क्या सर्व होता है, उसके बाद क्या सर्व होता है। जीतने वाले को मिलेगा एनएक्स का हैंडी मिंसर रखा हुआ है, बड़ी आसानी के साथ आप इसके अंदर चिकन का, बीफ का कीमा बना सकते हैं और आप वेजिटेबल इसमें मैश कर सकते हैं। थर्ड रेसिपी है हमारी बड़ी क्विक और मज़े की रेसिपी है, थोड़ी सी डिफरेंट है। आलू के साथ हमने चिकन और दूसरी चीज़ें तो कई दफ़ा डाल के कबाब बनाए हैं, लेकिन आज जो है पालक के साथ हम कबाब बना रहे हैं। और पालक भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉ पालक है, बॉयल नहीं है। बस पालक का जो धोने का तरीका है वो आपको मैं बता दूँ, पालक 4 से 5 दफ़ा धोई जाती है। क्योंकि पालक पर होती है मिट्टी, तो आपने पालक को 3 से 4 दफ़ा पानी से धोना होता है, ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। नहीं तो होता क्या है, पालक जब अमूमन मिट्टी रह जाती है, तो जब आप खाते हैं कच्चर कच्चर आपके मुंह में आता है।
तो वो इस वजह से होता है कि पालक आपकी सही से नहीं धुली और मिट्टी के जो ज़र्रात हैं वो रह गए और वो अब आपके मुंह में आ रहे हैं, जो कि नुकसानदेह हैं। खाने में मज़ा नहीं आता, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है अगर मुंह में मिट्टी आए। तो लिहाजा दो तीन पानी से आपने अच्छे तरीके से पालक को धोना है, उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। पानी में आप भिगोएंगे तो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी। ये पानी आप फेंकने देंगे कितना गंदा हो गया। इसी तरीके से आपने इसको निकाल के अच्छे तरीके से निचोड़ना है और आखिरी जो पानी होगा वो आपका बहुत साफ कंडीशन में होगा, उस पर मिट्टी नहीं होगी। तो ये धुल गई हमारी पालक, आलू यहाँ पे बॉयल हो गए हैं, मैश हो गए हैं। ये देखें, अब ऐसे आपने चलाना है चावलों को, जब पानी बिल्कुल चावलों के लेवल पे आ जाए तो फिर आपने इसको दम पे छोड़ना है। और इसी में इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपकी फलियां और आपके मटर जो ओवर कुक ना हो, बिल्कुल मैश ना हो जाए, थोड़ा क्रंच होना चाहिए। आप फली आपके मुंह में आए या मटर आपके मुंह में आए तो क्रंच फील होना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा सा अकड़ाहट है इसके अंदर। बिल्कुल सॉफ्ट होगा तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे आपने चोली की आँच को स्लो करना है और इसको दम पर रख देना है। इसका ढकना कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसको हम रख देते हैं दम पर। यहाँ पे टाइम हो गया छोटे ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे आलू पालक के कबाब। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। पुलाव हमारा दम पे चला गया है बिल्कुल, और कबाब की तैयारी है आलू पालक के कबाब। ऑयल भी यहाँ पे हल्का हल्का गर्म हो रहा है, आलू उबले हुए हैं, पालक हमने धो ली अच्छे तरीके से। इसको हमने करना है फाइन चॉप, इसको बॉईल नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रॉ हमने इस्तेमाल करना है, श्रेडेड। क्योंकि पालक जब हम अगर बॉईल करके इसको डालेंगे तो जो मज़ा है, जो करंच है पालक का, जो एक गज़ाइत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छे से पहले इसको हमने श्रेड करना है, फिर चॉप करेंगे, फिर चॉप करने के बाद करेंगे मिक्स। मसाले ज़्यादा नहीं है ना, इसमें कोई धनिया पुदीना शामिल कर रहे हैं हम। अगर कुछ भी इसमें शामिल करेंगे जो पालक का अपना फ्लेवर जो हमें चाहिए वो ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा हमने इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं करना है। ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और सॉल्ट, एक अदद अंडा शामिल करेंगे। और अच्छे तरीके से हमने इसको अब मिक्स करना है। अंडा बाइंडिंग एजेंट है, आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो ना करें, क्योंकि आलू वैसे भी इटसेल्फ बाइंडिंग एजेंट है, बाइंड हो जाएगी जो भी चीज़ है। इस स्टेज पे थोड़ा सा इसमें और शामिल करेंगे हम पालक, पालक भरपूर आनी चाहिए। ये देखें जी, थोड़ी और क्वांटिटी गई पालक की। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, नमक आप चेक कर लें। इसकी छोटी छोटी टिकिया बनाएंगे, कबाब की शक्ल देंगे। जैसी शक्ल आपने देनी है आप दे लें,
आपने नगेट्स की तरह बनाने हैं, आपने कटलेट्स की तरह बनाने हैं, आपने शामी कबाब की तरह बनाने हैं। आपने इसको बनाकर जो है ब्रेड क्रम लगाना है, अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम लगाना है, फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए मैं इसको रखता हूँ फ्रिज के अंदर सिर्फ 2 से 4 मिनट ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। साथ ही साथ चेक कर लेते हैं पुलाव, पुलाव की क्या पोजीशन है। ये देखें जी, चावल भरपूर तरीके से जो है खिल गए, आप देख सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट और दम पे छोड़ते हैं ताकि पानी जो अच्छे से ड्राई हो जाए। आज बिल्कुल स्लो करके थोड़ी सी सफाई, यहाँ पे 2 अदद हमने अंडे तोड़ के रखे हुए हैं, इनको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। मसाले एक्चुअली लगा देते हैं। आज का सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज हमने बताया था कि फूड जो है कितने स्टेप में सर्व किया जाता है, कोई 5 स्टेप्स हमने बताए थे, उनमें से शुरू के कोई 3 स्टेप आपने बताने कि पहले क्या सर्व होता है, बाद में क्या सर्व होता है, थर्ड नंबर पे क्या चीज़ सर्व होती है। सही जवाब देने पे मिलेगा एनेक्स का हैंडी मिंसर। अच्छा जी, ब्रेड क्रम हमारे पास यहाँ पर है, ब्रेड क्रम आप घर में भी बना सकते हैं, अगर बाज़ार से ले रहे हैं तो वो भी सही है। घर में कोई भी आपके ब्रेड बच जाती है, आपने उसको या तो खुली हवा में छोड़ दें, ड्राई हो जाएगी, या थोड़ा सा ओवन के अंदर रख दें, या तवे पर उसको सेक लें। जब बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए आपने उसको चॉपर में डाल के या हाथ की मदद से या बेलन से उसको पीस लेना है, ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा। तो कोशिश करें दाना थोड़ा बारीक हो ताकि प्रॉपर तरीके से वो कवर करे चीज़ को। ये देखें, अब कोई चीज़ कबाब बनाते हुए हमेशा हाथ पे थोड़ा सा जो है ऑयल लगा लें। मिक्सर आपके हाथ पे ना चिपके, इस तरीके से आपने गोलियां बनानी है। एक दफा ब्रेड क्रम पे लगाएंगे, उसके बाद फिर हमने अंडे में डिप करना है, फिर क्रम लगाना है, फिर इसको फ्राई करना है। 2-4 में कर लेता हूँ सामने। कैसे लगाया आपने इसको, शक्ल दी कबाब की इस तरीके से। इस तरह और फिर एक दफ़ा अंडे में डिप करना है, फिर दोबारा क्रम लगाएंगे तो फाइनल ये कोटेड हो जाएगा। फिर इसको हमने करना है फ्राई बिल्कुल लो फ्लेम पर। पुलाव हमारा तैयार है, यहाँ पे चूल्हे को करते हैं बंद, एक बना देते हैं सामने। ये गया अंडे के अंदर जो हमने डिप किया इसको और क्रम लगाया, तो इसकी ये शक्ल हो जाएगी। फिर हमने इसको करना है फ्राई। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में जब तक ये कोट करता हूँ आप जाएं छोटी ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी ब्रेक के बाद।
लौकी चना फ्राई, अच्छा उबले सफेद चने 1 कप, लौकी क्यूब्स 1 कप, तेल 1/4 कप, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद, कटे टमाटर 1 कप, दही 1/4 कप, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया ताज़ा 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हसबे ज़रूरत, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा 1/4 कप, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद। तरकीब, कढ़ाही में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें, अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, फिर टमाटर और तमाम मसाले डालकर भूनें, अब इमली का गूदा और दही डालकर मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाएं, उसके बाद उबले सफ़ेद चने और लौकी शामिल कर दें, आखिर में 1 खाने का चमचा लहसुन, कड़ी पत्ते और साबित लाल मिर्च डालकर तड़का लगाएं। सेम का पुलाव, अच्छा चावल 750 ग्राम, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबली सेम की फली 1 कप, उबले मटर 1/2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, कटे टमाटर 1/2 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हसबे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, दार चीनी 4 से 5 टुकड़े, साबित काली मिर्च 1/2 चाय का चमचा, पानी हसबे ज़रूरत, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, तेल हसबे ज़रूरत। तरकीब, पैन में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा भून लें, अब इसमें लहसुन का पेस्ट और टमाटर शामिल करें, फिर फलियां, हरी मिर्च का पेस्ट, मटर और तमाम मसाले डाल दें, उसके बाद पानी शामिल करें, जब उबाल आ जाए तो चावल डालकर दम पर छोड़ दें, उसके बाद हरा धनिया डालकर सर्व करें। आलू पालक के कबाब, अच्छा उबले और कुचले आलू 2 कप, पालक रेशा 1 कप, नमक हसबे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हसबे ज़रूरत, तेल हसबे ज़रूरत। तरकीब, बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें और कबाब की शक्ल दें, अब इन्हें फिटे हुए अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाएं और तेल में धीमी आंच पर फ्राई करें, जब गोल्डन हो जाए तो निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक, ये ब्रेक से वापस आ गए हैं, कबाब की तैयारी यहाँ पर है हमारी, प्लेटर भी रेडी हो गया है, सिर्फ अब फ्राई करना है। ऑयल दोबारा से अच्छा खासा गर्म हो गया था, इसको चेक कर लेते हैं। चले जी, कबाब बिस्मिल्लाह करके फ्राई करते हैं, चेक करते हैं टेम्परेचर ऑयल का, बिल्कुल सही है। इसके अंदर हमारा आलू जो है पके हुए हैं, पालक जो है बिल्कुल हल्का सा, एक भाप आती है तैयार हो जाता है, बिल्कुल गोल्डन सा कलर देना है, डीप फ्राई हो रहे हैं, पलटने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो पलट सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये एक बेसिक आइडिया है, आलू के साथ पालक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप चाहें कोई सी भी सब्ज़ी जो आप खाना पसंद करते हैं, आपके घर वाले खाना पसंद करते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल पलटते जाएं और कलर सबका एक जैसा आना चाहिए, एक जैसा कलर होगा तो डिश में अच्छे लगेंगे। ये देखिए बड़ा बेहतरीन कलर आ गया, निकाल लें, आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं बना के, बिल्कुल कोटिंग करके क्रम लगाकर आप इनको फ्रीज कर दें। फ्रीज़ करने की एक टेक्निक यह है कि कुछ भी आपने फ्रीज करना है आपस में चीज़ें जुड़ जाती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, आप किसी भी एक ट्रे के अंदर जो भी आइटम आपको फ्रीज करना है आप अलग अलग बिछा दें, आप कोई थैली लगा के या बटर पेपर लगा के आप अलग अलग बिछा दें, जब 2-3 घंटे में उस सब चीज़ें फ्रीज़ हो जाएं तो फिर आपने उठाकर सारी चीज़ों को एक थैली में डालें और उसके बाद आप फ्रीज़ कर दें, तो होगा क्या, आपने जो भी चीज़ फ्रीज़ की है वापस में जुड़ेगी नहीं। ये देखें इनसाइड टेक्सचर भी देख लेते हैं कैसा है, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको सर्व करना है। ये लीजिए
तीसरी डिश भी हमारी तैयार हो गई है। टेबल सेटअप भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली लगा हुआ है। वॉश को यहाँ लगा देते हैं। तीनों डिशेस बड़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं, बड़ी लाइट रेसिपीज़ हैं। हमने जो है थोड़ा वेजिटेबल को फ्यूजन कर रहे हैं मीट डिशेस के साथ। जैसे लास्ट में हमने बनाया था अंडे आलू का जो कोरमा बनाया था, पकौड़ा कढ़ाई बनाई थी, बिल्कुल इसी तरह वो तमाम अज्जा जो आसानी के साथ घर पर अवेलेबल होते हैं। आपने फ्रिज खोला, जो है कुछ सब्ज़ियाँ निकाली, कबर्ड खोला, कुछ मसाले निकाले, उसको मिक्स करके डिश बना दी। हमारी यही कोशिश है कि इतनी ही ईजी रेसिपीज़ जो आप लोगों को बताई जाएँ। आज हमने बात की थी टेबल मैनर्स की, हमने फाइन डाइनिंग का जो फॉर्मल सेटअप होता है 1% का वो लगाना बताया। इंशाल्लाह कल के शो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे, इसका ये रिवाइज़ हो जाएगा। और जो कैजुअल डाइनिंग होती है फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर, किस तरीके से जो है फूड सर्व किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम घर पे कैसे फूड सर्व कर सकते हैं, इंशाल्लाह कल बताएंगे। तो कल का शो जो है देखना ना भूलिएगा। आज हमारे पास विनर कौन है? सफीना। सफीना है लाहौर से, जिन्होंने आज जीता है मिंसर एनएक्स का हैंडी मिंसर। बहुत मुबारक हो आपको, आपका गिफ्ट आपको इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।